मैं यहाँ पर जो मॉडल हमने बनाया था उसको इम्पोर्ट करवाता हूँ, तो इम्पोर्ट करवाएंगे हम, फाइल में जाएंगे, देन इम्पोर्ट में करवा लेता हूँ। जब हम इसको खोलते हैं तो इसमें प्रीसेट्स आता है मॉडल का, तो देन आई कॉल, आप कर मंगवा सकते हो, कोई भी मॉडल ला सकते हो। देन मैं दूसरा मॉडल भी लेके आता हूँ, हाई पॉली मॉडल जो है मेरा, हाई पॉली मॉडल को भी हमने कॉल करा लिया। देन प्रेस ओपन बटन, देन प्रेस ओके बटन। ठीक है, तो हमारे दोनों मॉडल यहाँ पर आ चुके हैं। अब इसमें मैक्स में आप लोग लेयर मैनेजर यूज़ करते होंगे, तो मैक्स में जाके आप सबसे पहले टूल में जाएंगे और टूल के अंदर आपको लेयर एक्सप्लोरर पे आप क्लिक करेंगे। जब आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो ये विंडो ओपन हो गई आपकी। इसके अंदर देखिए मेरे दोनों मॉडल यहाँ पर आ गए हैं, मैं इनको लेके आया हूँ। इसमें इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें हैमर हाई पॉली मॉडल भी है और लो पॉली मॉडल भी है। तो इसमें मैंने क्या करना है, हाई पॉली मॉडल को मैं जिस पे भी मैं काम कर रहा हूँ उसको डिजेबल कर सकते हैं यहाँ से, और अनेबल कर सकते हैं। ठीक है, मेरी आईडी भी आ गई है और यहाँ से इसको फ्रीज भी कर सकते हैं। ठीक है, आपका मॉडल फ्रीज भी हो जाए। तो इनको अभी अभी हम फ्रीज रखते हैं। नेक्स्ट, अब हम थोड़ा सा अनरैपिंग के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, गेमिंग में किस तरीके से हम अनरैप करेंगे। तो उसको समझने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम कोई कुछ ले लेते हैं, एक्सटेंट प्रिमिटिव में से हम शैम्पर बॉक्स ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये शैम्पर बॉक्स लिया, जो फिलेट के सेगमेंट हैं वो हमने दो कर दिए। ये हमारा मॉडल आ गया है इस तरीके से, और इसकी फिलेट की जो वैल्यू है उसको हमने थोड़ा कम कर दिया, जस्ट लाइक दैट। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले जब भी हम मॉडल बनाते हैं तो मॉडल बनाते हुए हमें एक चीज का ध्यान रखना होता है कि उसमें क्वाड में ही हमें बनाना है। जैसे आप ये देख रहे हैं यहाँ पे ट्रायंगल बन गया है, तो ट्रायंगल हम नहीं यूज करेंगे, इस ट्रायंगल को हमें हटाना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें कहाँ जाना होगा, हम वापस से जाएंगे मॉडिफाई में, सैंपल बॉक्स को राइट क्लिक करके हमने कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली किया, देन गो टू एज, और हम इस एज को जितनी भी कॉर्नर की एज हैं उनको सिलेक्ट करेंगे। हमने सिलेक्ट की, सब एज को हमने सिलेक्ट कर लिया है, और नीचे जाएंगे इसमें ऑप्शन में शिफ्ट के साथ में प्रेस करके रिमूव करेंगे। अगर विदाउट शिफ्ट करते हैं तो वर्टेक्स रह जाते हैं, यहाँ पर तो हम नॉर्मली ऐसे भी रिमूव कर सकते हैं। तो शिफ्ट के साथ हमने क्या किया, इसको रिमूव किया, तो ये हमारी जितनी भी एजेस थी ये डिलीट हो गई और यहाँ पर हमारा क्वाड बन गया। ये ज़रूरी है। इसके बाद ये हमने ले लिया, नेक्स्ट हमारा आता है, ये हमारा आ गया। एक हम यहाँ पर और ले लेते हैं, कोई स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स में जाकर हम एक सिलेंडर ले लेते हैं। ये हमने सिलेंडर ले लिया, देन हमें क्या करना है, इस सिलेंडर में जो देखो मॉड इसके अंदर क्या होता है कि हमें लो पॉली बनाना होता है जब मॉडल, तो हम अनवांटेड जो भी फेसेस हैं जो नहीं दिख रहे हैं उनको हमें रिमूव करना है, और नंबर ऑफ सेगमेंट्स जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है उतने ही नंबर ऑफ सेगमेंट्स हम इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, आई थिंक 12 इनफ है ना। अब इसके अंदर ये जो ऑप्शन है स्मूथ ऑप्शन, इसको ऑन रखना है, सॉफ्ट सिलेक्शन के लिए है ये।
इसको ऑन रखेंगे, अदरवाइज ये हार्ड सरफेस में दिखेगा, इसको स्मूथ को ऑन रखिए। ये ले लिया, और इसका जो नीचे वाला ये पॉलीगन है, सबसे पहले ये हमने देख लिया, और देन कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली। ये हमने कन्वर्ट किया एडिटेबल पॉली में, देन गो टू पॉलीगन, सिलेक्ट दिस फेस एंड डिलीट इट। ये हमने डिलीट कर दिया। अब ये हमारे दो ऑब्जेक्ट हैं, अब बात आती है कि इसको अनरैप कैसे करना है। ठीक है, अनरैप करते हुए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है कि गेमिंग में जब हम अपने मॉडल को लेके जाते हैं तो वो प्रॉपर अनरैप होना जरूरी है। विदाउट अनरैप आपका टेक्सचर वहाँ पर आएगा ही नहीं, ठीक है, काम ही नहीं करेगा। कल भी हमने किया था, वो माया में हमने किया था उसको, ठीक है। तो इसको हमें क्या करना है, ये दो ऑब्जेक्ट हैं अलग अलग, सबसे पहले इसको फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन का इसका ध्यान रखना है, जो वैल्यू है वो जीरो होनी चाहिए। तो हमें क्या करना है, इसकी जो इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को सिलेक्ट किया हमने, देन हम टूल में जाएंगे, और टूल के अंदर हमारे अलाइन अलाइन बटन पर जाएंगे, ठीक है, इनको अलाइन करेंगे। अलाइन पे जब आप क्लिक करते हो, तो आपने क्लिक किया इसको, तो ये जब आप क्लिक करते हो तो ये पूछता है कि कहाँ से अलाइन करना चाहते हैं, पाइवेट पॉइंट से या सेंटर से, मैक्सिमम, जहाँ से भी आप इसको अलाइन करना चाहते हैं ये आपको बोलेगा। तो मैंने ओके प्रेस कर दिया, ये हमारा आ गया है। देन हमने इसको सेलेक्ट किया, ठीक है, इसको स्नैप भी कर सकते हैं आप, स्नैपिंग के लिए टूल होता है ऊपर दिया हुआ, ठीक है। यहाँ से स्नैप करेंगे, गिज़्मो को भी लेके जा सकते हैं, ठीक है, पर अभी ये गिज़्मो इसका यहाँ होना चाहिए था, अभी हम इसको मैनुअली कर लेते हैं, अभी हम यहाँ ले गए। अब सबसे पहले हमें इस फेस की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम इस फेस को भी पॉलीगन में जाकर फेस को सिलेक्ट करेंगे, देन डिलीट। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, जो एरिया हमें नहीं दिखेगा उस एरिया में हमें फेस को रखना ही नहीं है, उसको डिलीट कर देना है। फॉर एग्जांपल, जैसे ये एक हमारा मॉडल है और इसको हमें अनरैप करना है और सब्सटेंस प्रिंटर में लेके जाना है, ठीक है। तो अनरैप करने के लिए स्केल टू फिट होना जरूरी है, सबके चेकर्स इक्वल होने चाहिए, सिलेंडर के भी, बॉक्स के भी। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम जाते हैं अनरैप में, इसके मॉडिफाई लिस्ट में जाते हैं, देन यहाँ पर हम ढूंढते हैं अनरैप, टाइप अनरैप, अनरैप यूवी हमने अप्लाई किया इस पर। जैसे ही अनरैप यूवी हम इस पर अप्लाई करते हैं, तो देखो इस तरीके से इसमें इसके अंदर ये एजेस आ जाते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये आ गया। अब इसके अंदर अलग अलग मेथड है इसको करने के, आप इसको बॉक्स के थ्रू कर सकते हो, प्लेन के थ्रू कर सकते हो, अनरैप में जाएंगे, पॉलीगन सेलेक्ट कर सकते हो अलग अलग, या सबको एक साथ सेलेक्ट कर लो, जितने भी पॉलीगन्स हैं सबको सेलेक्ट करो एक साथ, ये आ गए। अब इसके अंदर जब आप जाते हो, तो छूट गए, इसकी बैक फेस कलिंग ऑफ है, सेलेक्ट ऑल, ठीक है, ये ऑप्शन हमारा आ गया है। अब इसके अंदर आप, हमने प्लेनर यूज किया है, या फिर आप इसके अंदर जाके क्विक प्लेनर भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसमें किस तरीके से अनरैपिंग करना चाहते हो। देन गो टू ओपन यूवी एडिटर, आप यूवी एडिटर में जाते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये आ गया है इस तरीके से, ठीक है। इसमें जब आप जाते हैं, इसके अंदर आप गए, तो उसके बाद आप लोग मैपिंग के जो मेथड है, अनफोल्ड अगर हम करेंगे तो ये इसके सारे एजेस अनफोल्ड हो जाएंगे, देख लेते हैं करके। अनफोल्ड किया तो देखो ये इस तरीके से आ गया, ये मेथड इसमें काम नहीं कर रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा फ्लैटन मैपिंग, फ्लैटन किया तो इसने इस तरीके से इसको फ्लैट कर दिया, ये काम कर गया हमारा, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या देखना है कि ये जब हमारा काम कर गया है इसमें, सबसे पहले हमें इसके जो फेसेस हैं, ये वाले जैसे फेसेस हैं,
जब इसको पूरा आप ओपन करते हो, यहाँ पर जाते हो तो यहाँ पर ऑप्शन होता है ग्रो का, ठीक है, ग्रो यूवीज। तो ग्रो करेंगे तो जितने भी उस एच के अंदर होंगे, जो सीम हमने बनाई है, ये जो ग्रीन कलर की सीम है इसके अंदर जो दिखाई दे रहे हैं, इसमें जाएंगे, इसको हम साइड में रख लेते हैं। नेक्स्ट को हम सेलेक्ट करते हैं, देन ग्रो, इसको भी हमने साइड में रखना है, इसको हमने प्रेस किया, प्रॉब्लम, हमने सेलेक्ट कर लिया है कंट्रोल के साथ, शिफ्ट के साथ इसको सेलेक्ट करते हैं, इसमें दिक्कत आ रही है, इसको हमने सेलेक्ट किया, अभी इसको हमने सेलेक्ट किया डबल क्लिक करके, डबल क्लिक करके भी हम कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इसको हमने लिया तो हमें ये देखना है कि ये किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर ये जो यूवी है, ये वाला, इसको हमें क्या करना है, रोटेट कर देना है। अभी 90 डिग्री पे हमने इसको रोटेट किया, देन हम चेक करेंगे इसके एच को, ठीक है। एच में जब हम जाएंगे, इसको हम थोड़ा साइड कर लेते हैं, एच में गए, एच में जाने के बाद हम चेक करेंगे इसको कि किसके साथ में जा रहा है, ठीक है। तो ये देखो, ये ब्लू कलर से हाईलाइट हो गया है। देन गो टू टूल एंड स्टिच सिलेक्टेड, रिकॉन स्टिच सिलेक्टेड बटन, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये स्टिच हो गया, देखो। देन प्रेस ओके। उसके बाद नेक्स्ट हम चेक करेंगे ये वाला, ये किससे है। अब ये वाला जो यूवी है हमारा, ये साइड आ रहा है, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हम इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको हम रोटेट करेंगे अगेन, ठीक है। अगेन रोटेट किया हमने, फ्लिप कर दिया एक तरीके से, वापस गए हम, इसको हमने सेलेक्ट किया, पॉलीगन, सेलेक्ट, ये आ गया, या इधर भी रहेगा कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या किया, इसको वापस से हम एच में जाएंगे, हमने सेलेक्ट किया इस एच को, देन गो टू टूल, अगेन क्लिक ऑन स्टिच सिलेक्टेड बटन, देखो वो आ गया, देन प्रेस ओके, ये हमारा आ गया। नेक्स्ट हम इसको देखेंगे ये किसके साथ हो रहा है, ये इधर हो रहा है, तो हमने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया और सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको मूव कर लिया हमने। मूव करके जब हम यहाँ इसको लेके आए हैं बॉक्स को, तो यहाँ पर क्या रहा है, सेम अगेन अगेन हम एज में जाएंगे, एज चेक करेंगे कौन सी एज के साथ ये कनेक्ट होगा, सिलेक्ट किया हमने, तो क्या हो रहा है, ये रेड कलर की जो एज है उसके साथ में ये ब्लू को हाईलाइट कर रहा है। तो हमें क्या करना होगा, अगेन हम सिलेक्ट करेंगे इसको कंप्लीट, देन रोटेट, ऊपर टूल है, इसमें टूल है ऊपर दिया हुआ, क्विक ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्म, क्लिक अगेन, ठीक है। नेक्स्ट सेलेक्ट एज, टूल और स्टिच सिलेक्टेड, देन प्रेस इस टूल के अंदर ना प्रॉपर्टी पॉपअप ओपन होता है, इसको ओके करना है, ठीक है, ये हमारा आ गया। उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या काम करना है कि जितने भी ये यूवीज हैं इनको सेलेक्ट करना है हमें सबको। यूवीज को सेलेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें इसके अंदर हम वर्टेक्स सेलेक्ट करेंगे इसके, ये यूवी हमारे सेलेक्ट हो गए। उसके बाद हमें क्या करना है, टूल में जाना है और इसमें ऑप्शन होता है आपका रिलैक्स, ठीक है। तो आप लोगों को रिलैक्स पे क्लिक करोगे, जब आप रिलैक्स बटन पर क्लिक करते हो तो एक नया पॉपअप ओपन होता है। उस पॉपअप के अंदर जब आप जाओगे तो ये पूछेगा कि रिलैक्स बाय पॉलीगन एच, ठीक है, या रिलैक्स बाई एज एंगल या रिलैक्स बाई सेंटर। तो हमने पॉलीगन एज के थ्रू हम कर सकते हैं, रिलैक्स बाई एज एंगल के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये पूछता है, नीचे ऑप्शन आता है की बाउंड्री पॉइंट फिक्स्ड, ठीक है। इसको हमें क्या करना है, इसको हमें चेक करना है, इसको ऑन रखना है, ताकि जो भी हमारे यूवीज हैं, यानी कि ये जितने भी यूवी हमारे दिख रहे हैं, ये सिर्फ इस बॉर्डर के अंदर ही रिलैक्स हो, बाहर की तरफ ना हो, अंदर की तरफ ही। तो स्टार्ट रिलैक्स, इसको स्टार्ट रिलैक्स करेंगे जितनी देर आपको करना है, देन क्लिक ऑन स्टॉप रिलैक्स, ये
स्टॉप हो जाएगा, देन अप्लाई, इसको हमने बंद कर दिया तो ये हमारे रिलैक्स हो गए, ये आ गया। नेक्स्ट हमारे ये ऊपर ऑप्शन है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये वाले जो ऑप्शन है इसको भी हमें, वैसे ये ठीक है, इसको टूल में जाके हम इसको रिलैक्स कर देंगे, स्टार्ट रिलैक्स, स्टॉप रिलैक्स, क्लोज, ये रिलैक्स हो गया, अंदर की तरफ आ गया। सेम इसको भी कर लेते हैं, इसको टूल सेटिंग, क्लिक ऑन रिलैक्स बटन, देन स्टार्ट रिलैक्स, स्टॉप रिलैक्स, ठीक है, ये आ गया हमारा। अब इसके बाद आपने क्या करना है, जब ये हमारा बन गया है तो इसके अभी देखिए, अभी हम चेकर्स देखते हैं, यहाँ पे साइड में ऊपर इसके यूवी पैनल के अंदर जब आप जाएंगे तो चेकर्स प्लेट है, इसकी जगह हम ले लेते हैं टेक्सचर चेकर यूवी चेकर पीएनजी, ठीक है। इसको हमने क्लिक किया है तो आप देख सकते हो कि इसके अंदर ये हमारे यूवीज आ गए हैं, चेकर्स आ गए हैं। अब इसमें हमें ये देखना है कि इनकी जो वैल्यू है यानी कि वो इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। अभी सिलेंडर भी आएगा हमारा, तो इसके लिए हमें क्या करना है, इन दोनों को हमने सिलेक्ट किया, सबको हमने सिलेक्ट किया, जितने भी यूवीज हैं हमारे एक साथ, और उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें जाना है, इसमें ऑप्शन आता है आपका, नीचे जाओगे तो अरेंज एलिमेंट, ठीक है। जब आप अरेंज एलिमेंट में जाओगे तो अरेंज एलिमेंट में ये पूछता है कि पैडिंग कितनी रहेगी, पैडिंग आप समझते हो मार्जिन और पैडिंग, मार्जिन पैडिंग का पता ही होगा, मार्जिन किसी एज का बाहर का एरिया और पैडिंग अंदर का एरिया, ठीक है। तो इसमें जब हम जाते हैं तो इस है ना, तो इसके अंदर जब हम जाएंगे तो देखो इसमें क्या आता है, रीस्केल एलिमेंट्स है ना, पैक नॉर्मलाइज, तो हमने क्या किया, जैसे रीस्केल करते हैं हम एलिमेंट, तो सब हमने सेलेक्ट किया, देन क्लिक ऑन रीस्केल एलिमेंट, ये रीस्केल हो गए हैं, अभी हो रहे हैं। देन उसके बाद हमें क्या करना है, इसमें पैक नॉर्मलाइज, ठीक है, पैक नॉर्मलाइज करेंगे तो ये अपने स्केल के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर देगा, ठीक है, यानी कि इनकी जो स्केल की वैल्यू हो वो एक प्रोपोर्शन में होगी, ठीक है, ना कम ना ज़्यादा। इससे क्या होता है, हमारे जो भी यूवीज होते हैं जिन पे हम काम करते हैं वो स्ट्रेच नहीं होता है, हमारा टेक्सचर जब हम टेक्सचर बनाएंगे तो वो स्ट्रेच नहीं होगा। इतना आप लोगों को समझ में आ गया? यस सर। इसके बाद में आपने क्या करना है, जब ये हमारा ऑप्शन आ गया है, इसके बाद इसके अंदर जब आप जाओगे आपको क्या करना है, सेम ओपन यूवी मैं बता रहा था एच के बारे में, तो मान लो ये मैंने यहाँ पर भी एक यूवी देना है, यहाँ पे एक कट देना है, इसमें इस जगह मैं यूवी लेना चाहता हूँ, उसके लिए हम क्या करते हैं, देखो पील के अंदर ऑप्शन होता है आपका कन्वर्ट एज सिलेक्शन टू सीम, यानी क्या है, जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखो सीम बन गई है, ठीक है। यस सर। तो इस तरीके से भी आप सीम बना सकते हो, ठीक है, और ये हमारे सिलेंडर में बना हुआ है। देन अगेन गो टू ओपन यूवी एडिटर, यूवी एडिटर में अगेन हम जाएंगे वापस, इसको हमने मिनिमाइज किया, ठीक है, ये आ गया, सेलेक्ट करेंगे इसको, सिंपल है, सिलेंडर है तो इसको मैप में जाके कुछ करने की जरूरत नहीं है अभी हमें, तो सिंपल हम पॉलीगन सेलेक्ट कर लेते हैं ये, और इसको हम टूल में जाके जस्ट रिलैक्स करने वाले हैं, स्टार्ट रिलैक्स, की बाउंड्री पॉइंट फिक्स, स्टार्ट रिलैक्स, ठीक है, देन स्टॉप रिलैक्स, ये आ गया। अगेन सेम हमें क्या करना है, इसी में जाना है वापस नीचे, तो इसको हमें चेक करना है नीचे, अरेंज एलिमेंट्स, ठीक है, रीस्केल आप कर सकते हैं यहाँ से, रीस्केल एलिमेंट, पैक कस्टम, रीस्केल हमने किया और पैक नॉर्मलाइज, ये आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा आता है कि जब देखो हम सब्सटेंस प्रिंटर में लेके जाएंगे, अब ये दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट हैं ये,
ये अलग ऑब्जेक्ट है और वो अलग ऑब्जेक्ट है, बट हमें क्या करना है, हमें अपने जो यूवीज हैं वो एक साथ लेके जाने हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए इस ऑब्जेक्ट को हमने सेलेक्ट किया पहले, जो ये वाला ऑब्जेक्ट है हमारा, यूवी एडिटर ओपन करते हैं हम इसका, हमने इसको सेलेक्ट किया सबको, 10 मिनट में हो जाएगी ओवर मीटिंग, इसको दोबारा हम कंटिन्यू करेंगे क्योंकि आज ही हमें ख़त्म करना है सर। ये आ गया नेक्स्ट, दूसरे वाले को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, इधर है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, बॉक्स को और सिलेंडर को, ठीक है, और इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे अगेन अनरैप, ठीक है। अनरैप यूवी हमने अप्लाई किया, जब हम इस पे अनरैप यूवी अप्लाई करेंगे, हम दोबारा से ओपन यूवी एडिटर खोलेंगे, तो हमारे दोनों यूवी हमें दिख रहे हैं, सबको नजर आ रहे हैं, समझ हाँ सर, यस में आया। सर, अब आपको क्या यस करना है, अब आपको क्या करना है, इन सब को सेलेक्ट करना है, फिर से आप लोग जाएंगे पॉलीगन्स में, जाइए सिलेक्ट ऑल। अब इसके बाद वापस से आप लोगों को कहाँ जाना है, आप लोग वापस जाएंगे अरेंज एलिमेंट में, यानी कि हम ये जो हमारा मॉडल है, यानी कि ये जो सिलेंडर है, सिलेंडर आपको दिख रहा है, और ये जो ऊपर, इसके ऊपर ये बॉक्स है, ठीक है, इन दोनों का प्रोपोर्शन जो है इसके जो एज है उसका प्रोपोर्शन इक्वल होना चाहिए, ताकि टेक्सचर जो है वो स्ट्रेच ना हो और नंबर ऑफ चेकर्स जो हैं उनका साइज सेम हो, ठीक है। उसके लिए हमें ठीक क्या है करना सर। होगा, इन सबको सेलेक्ट करेंगे, देन पैक नॉर्मलाइज रीस्केल एलिमेंट, हमने रीस्केल कर सकते हैं एलिमेंट को, और वापस जाके इसको पैक नॉर्मलाइज। अब जैसे ही हमने देखो इसको पैक नॉर्मलाइज किया, तो क्या हुआ, ये चेंज हो गया, ठीक है, चेंज हो गया ये अपने अकॉर्डिंग। अब वापस से हम चेक करेंगे चेकर्स में जाकर, टेक्सचर चेकर्स में, ठीक है, और देखेंगे कि हमने इसके अंदर जो चेकर्स लगाए हैं उनकी वैल्यू सेम है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर, इसके अंदर जब आप जाओगे, स्क्रीन फिर हैंग हो गई है शायद, यस सर, फिर क्लोज होगी क्योंकि मैंने फ़ोन से कनेक्ट किया हुआ ना, मुझे भी दिख रहा है क्या चल रहा है। एक मिनट, मैं दोबारा से शेयर कर देता हूँ, ये इसमें होता है ऑनलाइन क्लास में ना, मैं लेता रहता हूँ, प्रॉब्लम आती है। ठीक, आ गई सर। स्क्रीन, शेयर हो गई है। अब इसमें आप देख सकते हो कि इसमें जो नंबर्स ऑफ चेकर्स हैं, जो चेकर्स की वैल्यू यहाँ पर है, इस चेकर्स को देख सकते हो ऊपर, ये जो चेकर है, ठीक है, ये और इसका जो नीचे वाला चेकर है, दोनों का साइज सेम है, देखो ये चेकर आया, इक्वल साइज है अच्छा दोनों का, ठीक है। तो इसलिए हमें जब भी हम अनरैप करते हैं गेमिंग के लिए, या कभी किसी भी मॉडल के लिए या मूवी के लिए हम बनाते हैं, तो वहाँ पर हम इस तरीके से ही इसको प्रोपोर्शनेट रखते हैं, ठीक है, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, ये प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो गया है, हमें जाना है इसी में अनरैप के अंदर, और इसमें जाकर हम सेव करेंगे यूवीज को, ठीक है, हमने इसको सेलेक्ट किया। उसके बाद क्या करोगे आप, हमने यूवी तो बना लिया, अब इस यूवीज को आप सेव करोगे, ठीक है, तो आप चैनल में जाओगे, सेव यूवीज क्लिक करोगे सेव पे, और इसको नाम दे दोगे जो भी आप नाम देना चाहते हो, बॉक्स यूवी, ठीक है, और इसको हमने क्या ठीक कर लिया, सेव, ठीक है, ये सेव हो गए, बॉक्स यूवी के नाम से सेव हो गए, यस। अब जब हमने इसको सेव कर लिया है, उसके बाद हमें क्या करना है, भाई ये दोनों जो ऑब्जेक्ट हैं एक साथ ही जाएंगे, हम दोनों पे एक साथ अप्लाई होना चाहिए, तो
हाँ जी, अनरैप में तो नहीं जाएगा ये। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट इसको सिलेक्ट करना है, देन इसको सिलेक्ट करना है और हमको कोलैप्स कर देना है ऑल, देन यस। ओके, क्लिक करेंगे एडिटेबल पॉली में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, इसको इसके साथ में आप अटैच कर सकते हो। यहाँ गए अटैच विद अदर ऑब्जेक्ट, हम दोनों को अटैच कर दिया हमने। ठीक है, ये प्रॉपर्टी बन गए। अगेन हम इसमें जाएंगे अनरैप के अंदर। ठीक है, इसके ऊपर अगेन हम क्या करेंगे, अनरैप अप्लाई करेंगे। अनरैप यूवी, अनरैप यूवी जब हम इस पर अप्लाई करेंगे तो वापस से हम जाकर इसमें ऑप्शन में जाएंगे नीचे, और यहाँ पर जाके चैनल में जाके हमने सेव किया था, जस्ट उसके नीचे एक बटन है लोड। ओके, क्लिक करेंगे लोड बटन पर, और जो हमने यूवी सेव किया था उस टाइम पे, उस यूवी को हम लोड कर देंगे। मतलब ओपन, हमने ओपन कर दिया इसको, लोड कर दिया। वापस से हम देखेंगे ओपन यूवी एडिटर में जाके क्या हुआ। तो अब आप लोग देख पा रहे हो कि ये सब एक साथ आ गए हैं एक ही ऑब्जेक्ट पर। यस सर, दिख गया सबको? दिख गया सर। ठीक है, तो ये समझ में आया किस तरीके से करना है? यस सर, यस सर। नेक्स्ट आप लोगों को क्या काम करना है, जैसे अभी तो मैंने इनको क्लोज कर दिया था, उससे पहले एक काम और करना था। अटैच करने से पहले जब आप मॉडल बना रहे होंगे तो उसमें क्या करना है, इसके ऊपर आप अलग अलग मटेरियल आईडी डालेंगे। मैं आप लोगों को सब्सटेंस के अंदर जो बताने वाला हूँ मेथड, वो बहुत इजी मेथड है और बहुत सक्सेसफुल मेथड है। हम आईडी मैपिंग के थ्रू काम करने वाले हैं। तो कल भी हमने किया था, कल डिस्ट्रैक्ट हो रही थी वॉइस। इसमें हमें क्या करना है, हम इसमें अलग अलग आईडी देंगे थ्रू मटेरियल। तो प्रेस ऐप, अब इसके अंदर हम मटेरियल अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे ऊपर वाला हमने ऑब्जेक्ट किया, इस पर हमने ड्रैग कर देते हैं, ये रेड आईडी आ गई इस पर, और ब्लू हमने इस पर कर दिया। ठीक है, दो आईडी आ गई हमारी। ठीक है, देन उसके बाद हम इसको अटैच करते हैं। राइट क्लिक। तो अब इसमें क्या करना है, आप लोगों ने इसको वापस से अटैच कर देंगे हम। अटैच में जब पूछेंगे कि ये पूछेगा मैच मटेरियल आईडी टू मटेरियल, यस ओके, ठीक है, तो हमारी मटेरियल आईडी रह जाएगी। उसके बाद में फिर जब ये अटैच हो गया हमारा, एक आईडी बन गई है, फिर हम इस पर अनरैप अप्लाई करेंगे। ठीक है, और वहाँ पर जो हमने यूवी सेव किए थे उनको लोड करेंगे। ओपन, ठीक है, ये आ गया हमारा। ओपन यूवी एडिटर में जाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने जो चाह रहे थे वो हमारा आगे एक साथ यूवी आ गए हैं। और यहाँ से जाके इसकी सेटिंग आप कर सकते हो, टूल में जाके रेंडर यूवी टेम्पलेट्स में जाकर, रेंडर यूवी टेम्पलेट में आप जाएंगे तो 1024 के है, 1024 है, इसको 2048 भी कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है, 2K में करना चाहते हो या 4K में करना चाहते हो। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आप लोगों का? यस सर, है ना। तो ऐसे ही आप लोगों को अपने ऑब्जेक्ट को करना है। ठीक है, और उसके बाद में जब ये आप कर लोगे, ठीक है, करने के बाद में इसको अनरैप है ये, तो इसको आप कोलैप्स कर सकते हो। कोलैप्स ऑल, यस, ठीक है, अनरैप ऑलरेडी है। इसको जब हम वापस से अनरैप इस पर हम डालेंगे ना, तो वही हमारा खुल के आएगा। कोलैप्स कर देना है बाद में सबको, आप देख सकते हो। ठीक है, आप लोगों ने सबको कोलैप्स करना है, अनरैप
डाल के दोबारा चेक कर लेना है कि वैसे ही है, नहीं है, ये ठीक है, काम कर रहा है, ठीक है। अनरैप को डिलीट कर दो यहाँ से, रिक्वायरमेंट नहीं है, कोलैप्स कर दिया हमने। तो देन हमें क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है अपने मॉडल को, ठीक है, लो पॉली मॉडल जो हमने बनाया है। और जो हम आईडी हम लोगों को देनी है, ये ध्यान रखना, मैंने इसको आईडी दी है, आप लोग दो मॉडल बना रहे हैं, एक लो पॉली मॉडल और एक हाई पॉली मॉडल। तो आप लोगों को जो आईडी देनी है वो आपको लो पॉली मॉडल को नहीं देनी है, कलर आईडी जो देंगे आप मटेरियल से वो आप हाई पॉली मॉडल को आईडी देंगे। क्लियर हो गया पॉइंट आप लोगों का? हेलो जी जी यस सर। हाई पॉली मॉडल को आईडी देंगे, ठीक है। देन उसके बाद सेलेक्ट करेंगे अलग अलग दोनों मॉडल को, देन गो टू फाइल, गो टू एक्सपोर्ट सेटिंग, और क्या करना है, एक्सपोर्ट पर आप क्लिक करेंगे, और एक्सपोर्ट में क्लिक करने के बाद आप लोग इसको एक्सपोर्ट में जाएंगे, और एक्सपोर्ट में जाने के बाद क्या करेंगे, नाम दे देंगे आपका, नाम भी देना है, जैसे ये बॉक्स है, बॉक्स अंडरस्कोर लो, ठीक है। जो लो पॉली मॉडल होगा उसके आगे अंडरस्कोर लो लगाना है, और जो हाई पॉली मॉडल होगा उसके आगे अंडरस्कोर हाई लिखना है, ठीक है। और सेव एज अ टाइप आपको क्या रखना है, डॉट एफ बी एक्स, ठीक है, डॉट एफ बी एक्स रखेंगे, देन क्लिक ऑन सेव बटन। जब आप सेव बटन पर क्लिक करते हैं तो आपकी ये विंडो खुल के आएगी, इसको एज इट इज आपको रहने देना है, इसमें कुछ नहीं करना है। एनिमेशन हम लेके नहीं जा रहे हैं, तो एनिमेशन को डिजेबल कर सकते हो आप यहाँ पर, क्योंकि एनिमेशन हम नहीं देके जा रहे हैं इसमें, तो हम यूनिटी में यूज करते हैं एनिमेशन को जब FBX मोड में लेके जाते हैं, तो इसको हम डिजेबल कर देंगे यहाँ पर। देन प्रेस ऑन ओके बटन, ठीक है, ये सिंपल है। इसी तरीके से आप अपने दोनों मॉडल को सेव करेंगे। ये क्लियर हो गया सबका? तो अनरैपिंग का कॉन्सेप्ट आ गया समझ में आप लोगों को? आपको मैंने कल बोला था मैक्स में ही मैं करवाऊंगा, तो यस सर आ गया समझ में। आ गया ना, कोई डाउट्स हो तो पूछ सकते हो? नहीं सर। ठीक है, ओके। तो हम सब्सटेंस में अब शुरू करते हैं, कल वाला जो मॉडल था उसको दोबारा से हम करेंगे, ठीक है। तो अब मैक्स हम बंद कर रहे हैं, ओके। अब जो जो हमने काम इसके अंदर किया है, सेम मेथड हमने फॉलो किया है, कल हम हैमर बना रहे थे। सबसे पहले हमें क्या करना है, फाइल में जाना है, सब्सटेंस ओपन करेंगे, फाइल में जाएंगे, फाइल में जाने के बाद हम न्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, शॉर्टकट की है कंट्रोल एन। जब ये विंडो ओपन होगी तो इसमें आपको टेम्पलेट का ऑप्शन मिलेगा, PBR, इसमें अलग अलग ऑप्शन है, ठीक है, एडोब डायमेंशन है, डॉट्स टू एलोरिदम है, लेंस स्टूडियो है, ठीक है। हमें क्या यूज करना है, हमें यूज करना है PBR मेटेलिक रफनेस, ठीक है, क्लिक ऑन दिस बटन, देन गो टू फाइल ऑप्शन, सिलेक्ट योर फाइल, फाइल को आप सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट पर आप जाओगे तो यहाँ पर आपने फाइल सेव की है वहाँ से आप उसको बुला सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप कॉल करवाओगे किसको, लो पॉली मॉडल फाइल, ठीक है, हमने इसको ओपन किया। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है इसका, प्रोजेक्ट सेटिंग, ठीक है, तो प्रोजेक्ट सेटिंग में जाएंगे, प्रोजेक्ट सेटिंग में हम डॉक्यूमेंट का जो रेजोल्यूशन रखेंगे वो 2048 रखेंगे, क्योंकि हमने इसका जो रेजोल्यूशन है वहाँ पर भी जो हमने मॉडल को लेके आए हैं एक्सपोर्ट किया है वो 2048 के में ही इसका हमने अनरैप किया था, ठीक है। देन प्रेस ओके, इसको प्रेस ओके किया तो देखो ये आ गया है हमारा। तो आप लोग ऑल्ट और लेफ्ट माउस के लिए से जूम इन जूम आउट कर सकते हो इसको, ठीक है, ऑल्ट के साथ प्रेस करोगे, राइट माउस को ड्रैग करोगे आगे तो
ये हमारा मॉडल आ गया, लो पॉली मॉडल आ गया था, और ये इसका अनरैप है, ठीक है, जो अनरैप किया था। अब हमें क्या करना है इसके अंदर, सिंपल, इसके अंदर हम टेक्सचर सेट एडिटिंग में जाएंगे, सेट सेटिंग में जाएंगे, और वहां पर जाके हम साइज 2048 के ही है, मैश मैप में जाएंगे, मैश मैप में जाकर हम बेक मैश मैप ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देन क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम कुछ सेटिंग्स के साथ में काम करेंगे। इसमें जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो अब जब इसमें जाएंगे तो देखो इसमें क्या हो रहा है, इसके अंदर ये अलग अलग मैप के ऑप्शन है। तो मैप के बारे में आप सब लोगों को पता है, नॉर्मल मैप क्या होता है, एम्बियंट ऑक्लूजन क्या होता है, पता है सबको। तो मैप के बारे में, क्योंकि मैप का यूज आप तभी कर पाओगे जब आपको मैप का पता होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन कर सकते हैं मुझसे, मैं इनको दूंगा आंसर, थोड़ा सा इंटरेक्ट होना बड़ा जरूरी होता है ना। तो देखिए सबसे पहले थोड़ा सा मैप के बारे में हम समझ लेते हैं, क्योंकि कोई भी अगर हम काम कर रहे हैं उसके बारे में, जब तक हमारे उसके उसके बेसिक फंडामेंटल्स हम लोगों को पता नहीं होंगे तब तक हम उसको अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि किसी भी डिजाइन को बनाने के लिए या किसी भी चीज को हम करते हैं तो उसके बेसिक फंडामेंटल्स हमें पता होने चाहिए, ठीक है। अगर हम मैप यूज कर रहे हैं तो हमें मैप के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं नॉर्मल मैप की, ठीक है, नॉर्मल मैप क्या होता है। तो नॉर्मल मैप एक इल्यूजन क्रिएट करता है हाई डिटेल के लिए। सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है कि नॉर्मल मैप क्रिएट अ इल्यूजन ऑफ हाई डिटेल, ठीक है, हाइट की डिटेल के लिए एक इल्यूजन क्रिएट करता है नॉर्मल मैप, ठीक है। सिंपल सा इसका फंडा है, ठीक है, कोई बहुत बड़ा मैथमेटिक्स नहीं है, समझने की वाली बात है, इसको अपनी लैंग्वेज में आप समझा सकते हो, ठीक। नेक्स्ट आता है हमारा आपका एम्बिएंट ऑक्लूजन मैप, ठीक है। तो एम्बिएंट ऑक्लूजन मैप क्या करता है, शेडो देता है, यानी कि जहाँ इस अगर हम बात करें इसकी, ठीक है, ये जहाँ पर दो ऑब्जेक्ट यानी कि ये सरफेस, ये वाला जो पार्ट है इसका और इस पार्ट से जो टकरा रहा है, ठीक है, उसके बाद में जो शेडो जनरेट होती है, ठीक, वो क्या होता है, वो होता है ऑक्लूजन मैप। क्या करता है, कॉन्टेक्ट शेडो देता है, कॉन्टेक्ट शेडो की इंफॉर्मेशन देता है ऑक्लूजन मैप, ठीक है। दिस मैप गिव यू कॉन्टेक्ट शेडो इंफॉर्मेशन, अंडरस्टैंड, ठीक है, इस तरीके से ये काम करता है। उसके बाद ये हमारा आईडी है, ठीक है। कर्वेचर मैप क्या काम करता है, कर्वेचर मैप क्या करता है, ये भी हाइट देता है आपकी एच को, यानी कि ये जो आपको एच दिखती है ना, जब हम कोई मॉडल देखते हैं तो उसकी जो एजेस होती हैं, यहाँ पर भी ये शार्प एजेस हमने दिए हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, व्हाइट व्हाइट दिखता है, ठीक है, व्हाइट और ब्लैक एज दिखती है, जिससे एक मेटेलिक लुक आता है, ठीक है। तो वो काम कौन करता है, वो काम करता है कर्वेचर, तो यानी कि हमें इसकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। ये कुछ मैप है, थिकनेस हाइट के लिए यूज होता है, जब हम अनरैप करते हैं ना टेक्सचर को लाते हैं, उसमें कुछ हाइट हमें दिखानी है तो थिकनेस को हम यूज करते हैं, क्यों पर, बट मैं यहाँ पर थिकनेस यूज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। थर्ड है आईडी, आईडी मैंने जो बताया था आप लोगों को सेकंड में हमने देखा था, थर्ड आईडी था। तो हमने क्या किया है, हमने इसमें अलग अलग आईडी दी है हाई पॉली मॉडल को, जैसे मैंने आपको बताया था। तो उसके अंदर आप क्या करेंगे, कलर सोर्स के अंदर जाएंगे, ठीक है, कलर सोर्स में जाना है आपने आईडी के अंदर, और आपने किससे आईडी दी है, मटेरियल से, मटेरियल कलर दिए हैं आपने, तो आपने इस ऑप्शन को ऑन करना है मटेरियल कलर से, ठीक है। इसको आपने ऑन किया, मटेरियल कलर आ गए, इसको आप ऑन करके रखेंगे। नेक्स्ट बाकी एम्बियंट ऑक्लूजन इन सबको हमें कुछ नहीं कहना है, नॉर्मल कुछ नहीं कह रहा है, कॉमन में हम जाएंगे। आउटपुट साइज जो है उसको हम 2048 कर देंगे, ठीक है, क्या कर देंगे, 2048। नेक्स्ट नेक्स्ट ऑप्शन आता है हाई डेफिनेशन मैश, मैशेस लिखा हुआ है यहाँ पर,
हमें इस वाले ऊपर वाले आइकन पे क्लिक करना है, ठीक है, नीचे वाले पे नहीं करना है। केज फाइल हम एक दे के आ रहे हैं, हमने हाई डेफिनेशन एक मैश बनाया है उसको हम यहाँ लेकर आ रहे हैं। तो क्लिक करेंगे आप इस बटन पर, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपने जो अपना हाई पॉली मॉडल बनाया है उस पर क्लिक करेंगे, देन क्लिक ऑन ओपन बटन। जब आपने इस पर क्लिक किया ये आ गया। उसके बाद आपने एक चीज और ध्यान रखनी है ओके करने से पहले, इसमें क्या आता है मैच, ठीक है, इसमें नीचे सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर इसको सही से नहीं समझा तो आपका ये यहाँ पर मैच ही नहीं होगा। तो इसमें मैच में जाने के बाद बाई मैच नेम हम लेंगे, क्योंकि हमने क्या किया है, हमने जो हमारे जितने भी ऑब्जेक्ट थे, इसके बोल्ट था, क्लॉथ था, उन सबको हमने एक नाम दिया था, याद है आप लोगों को, मैंने कल भी बताया था। आप लोग क्या करेंगे, आप जो जो हाँ जो जो आप ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे ज्योमेट्री मैश के अंदर, जो जो भी आप बनाएंगे उसको आप एक नाम देंगे, ठीक है, बोल्ट दे दिया, क्लॉथ दे दिया, या फिर इसको आपने आयरन दे दिया, ये नाम देना है। बाय मैश नेम हमने नाम दिया है। उसके बाद देखो, मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें सफिक्स यूज कर रहे हैं, हाई पॉली मैश सफिक्स, यानी कि अंडरस्कोर हाई, ठीक, अंडरस्कोर हाई एंड अंडरस्कोर लो, इसलिए हमने यहाँ पे दोनों जो मॉडल थे हमारे, लो और हाई मॉडल जो बनाया था, हमने नाम दिया था, उसमें हमने क्या नाम दिया, हैमर अंडरस्कोर हाई एंड हैमर अंडरस्कोर लो, यानी कि ये इससे पता चलेगा, इसको सॉफ्टवेयर को ये पता चल रहा है इससे कि ये ऑब्जेक्ट ये है और हाई पॉली ऑब्जेक्ट ये है और लो पॉली ऑब्जेक्ट ये है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। देन प्रेस बेक लैम्बर्ट मैश मैप, क्लिक करेंगे आप इस पे, ये थोड़ा सा टाइम लेता है बेक होने में, कुछ सेकेंड का। तो आप लोग जब भी कोई सॉफ्टवेयर सीखते हैं तो उसके बेसिक्स को समझना बहुत जरूरी होता है, जिस पे भी हम काम करते हैं, कोई भी टूल अगर हम यूज कर रहे हैं, जैसे अगर हम बेवल एक्सट्रूड यूज कर रहे हैं तो एक्सट्रूड की प्रॉपर्टी हमें पता होनी चाहिए, एक्सट्रूड कैसे काम करता है, बेवल कैसे काम करता है, ये सब हम लोगों को पता होना चाहिए। तो देखिए ये हमारा हो गया है यहाँ पर, मैं सिर्फ 3D व्यू में जाता हूँ, बेक हो गया है, बहुत बढ़िया बेक हुआ है, देख सकते हो, ठीक है, ये हमारा मॉडल आ गया है, आप लोग देख पा रहे हो? जी जी बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट ये हमारा हो गया है, नेक्स्ट जो स्टेप है उसके लिए आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप के लिए आपको लेयर के अंदर जाना है। आप लोगों ने फोटोशॉप पर काम किया होगा, जस्ट लाइक फोटोशॉप वर्क करता है, बस इसके थोड़े से टूल चेंज है, थोड़ा सा इसको करने का मेथड चेंज है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इस लेयर को डिलीट कर देते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है हमें। अब सबसे पहले हम जाते हैं मटेरियल्स के अंदर, मटेरियल में जाकर हम देखते हैं स्मार्ट मटेरियल, ठीक है, स्मार्ट मटेरियल हम यूज करेंगे, क्लिक करेंगे स्मार्ट मटेरियल पे। जब आप स्मार्ट मटेरियल पे क्लिक करते हैं तो देखिए अलग अलग मटेरियल आ गए। अब इसमें मुझे क्या करना है, मुझे इसको स्टील का बनाना है, इसको मुझे आयरन का बनाना है, ये हर एक की अपनी चॉइस है, वुड का बनाना है, चूज कर सकते हैं। तो जैसे मैंने क्या किया, स्टील स्टेन, ये मैं मटेरियल यूज कर रहा हूँ इसके लिए, ठीक है। तो आप सिंपल लेयर में भी ड्रैग कर सकते हो और ऑब्जेक्ट जो है हमारा ज्योमेट्री है उसके ऊपर भी डायरेक्ट ड्रैग कर सकते हो। जब मैं ड्रैग कर दिया मैंने इसको, जब ड्रैग करते हैं तो थोड़ा सा टाइम लेता है बफरिंग में, ये अप्लाई हो गया, ये हमारा मटेरियल आ गया, ठीक है, अब ये अच्छा दिख रहा है, गुड। इसमें हम चेंजेस भी करेंगे अभी। तो अब क्या था कि भाई मुझे सिर्फ आयरन का जो लुक देना है वो इस ऊपर वाले ऑप्शन को देना है, इसमें मुझे अलग मटेरियल अप्लाई करना है बोल्ट्स पे, और क्लॉथ जो है उस पर मुझे अलग मटेरियल अप्लाई करना है। तो मैं क्या करूँगा, हैमर को सिलेक्ट करूंगा, क्लिक ऑन लेयर, ठीक है, लेयर के अंदर
ऊपर देखो ऑप्शन दिख रहा है ऊपर एक ब्लैक कलर का, जहाँ मेरा माउस का कर्सर है, ऐड मास्क, ठीक है। इस पर क्लिक करोगे तो इसमें चार ऑप्शन आएंगे, ऐड मास्क, ऐड वाइट मास्क, ऐड ब्लैक मास्क, ऐड बिटमैप मास्क, ऐड मास्क विथ कलर सिलेक्शन। तो हमने क्या करना है, ऐड मास्क विथ कलर सिलेक्शन। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं, मास्क विथ कलर सिलेक्शन तो ये हट गया है। अब हमें वापस जाना है यहाँ, इसके अंदर हम जाएंगे, और जैसे ही हम इसके अंदर जाएंगे तो हमें इसकी प्रॉपर्टी पैनल को खोलना होगा, व्यू, ठीक है, टेक्सचर सेटलिस्ट, लेयर, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी में आ गए, ये हमारी प्रॉपर्टी आ गई इधर, कई बार नहीं मिलती है, ठीक है। इसको अपने अकॉर्डिंग आप लोग सेट कर सकते हो, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ इसको। मैं क्लिक किया, इसको ब्रश की प्रॉपर्टी आ गई, ये हमारी लेयर की प्रॉपर्टी आ गई। तो हमने इसमें मास्क लगाया है, कलर सिलेक्शन में जाएंगे नीचे, सॉरी ऑप्शन में गए, कलर सिलेक्शन में देखिए ये मास्क लग के यहाँ पर आ गया है, ठीक है, स्टील स्लेट में आ गया कलर सिलेक्शन। कलर सिलेक्शन में जाएंगे, और कलर सिलेक्शन में जब जाएंगे हम, ये लेयर में गए हम, इसमें गए, इसको ओपन किया, कलर सिलेक्शन में क्लिक किया, सबसे नीचे जब आए जाएंगे तो यहाँ पर क्या आ रहा है, आईडी मास्क शो कर रहा है, ठीक है। तो इसमें आपने क्या करना है, पिक कलर, जैसे ही पिक कलर बटन पे क्लिक क्लिक करोगे आप लोग, ठीक है, तो ये देखो हमने जो कलर आईडी दी थी अपने मॉडल को, वो कलर आईडी आ गई है। तो मुझे आयरन किस पे चाहिए, आयरन सिर्फ मुझे रेड वाले पे चाहिए, तो मैं सिर्फ इसको ड्रैग करूंगा। जैसे ही मैं ड्रैग करूंगा तो बाकी का जो एरिया है वो मास्क हो गया है, और जो जो मेरा मैंने आईडी दी थी कलर रेड कलर की, उस पर ही ये मेरा आयरन का मटेरियल अप्लाई हुआ, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसमें हम गए तो हम बंद कर देते हैं आईडी को। नेक्स्ट हम दूसरा मटेरियल लेंगे, इस बोल्ट के लिए हम मटेरियल लेने वाले हैं। इस बोल्ट पर हम थोड़ा सा डिफरेंट मटेरियल डालेंगे, डिफरेंट से मतलब है हमारा थोड़ा सा ये नहीं, थोड़ा ये वाला मटेरियल लेते हैं, स्टील पेंटेड हम मटेरियल इस पे अप्लाई करेंगे रेड कलर का, ठीक है, मटेरियल हम इस पे अप्लाई करेंगे। तो ठीक इसमें दिख नहीं रहा है, ये मटेरियल आ गया। इस मटेरियल को हमने अगेन से अप्लाई करना है अपने मॉडल पर। जैसे ही हम इस पे अप्लाई करेंगे तो एक न्यू लेयर बन जाएगी फिर से, ठीक है। अब न्यू लेयर जब बनेगी तो फिर से क्या होगा, फिर से वो हैमर अलग, पूरा कलर उसमें वही आ जाएगा। बड़ा अच्छा लग रहा है वैसे ये भी, है ना, सब्सटेंस पेंटर की। देखो अब मैं बात कर रहा था कर्वेचर की ना, कर्वेचर मैप की, तो कर्वेचर मैप ये काम करता है, इसमें साइड में जो एजेस आप देख रहे हो, ये जो दिख रही है वाइट, ये जितनी भी एजेस दिख रही है सिर्फ हमारे कर्वेचर मैप की वजह से दिख रही है, ठीक है। कर्वेचर मैप ये काम करता है इसके अंदर, इसलिए हमने उसको ऐड किया है। तो सेम इसके अंदर हम यूज करेंगे, सेम हम इसमें जाएंगे, मास्क में जाएंगे, ऐड मास्क विद कलर सिलेक्शन, क्लिक ऑन दिस बटन, इस पर हमने क्लिक किया, और नेक्स्ट सेम वही पिक कलर हमें, सॉरी पिक कलर करेंगे, और हम येलो कलर को चेक कर लेंगे। तो देखिए ये हमारा यहाँ पर आ गया है, गुड, ठीक है, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट हम फिर से सेम प्रोसेस फॉलो करने वाले हैं। अब हमें इसमें क्लॉथ बनाना है, तो क्लॉथ के लिए स्मार्ट मटेरियल में हम जाएंगे, स्मार्ट मटेरियल के अंदर हम क्या टाइप करेंगे, फैब्रिक, ठीक है। तो फैब्रिक हमने लिया, ओके सर। ठीक है, फैब्रिक आप लिखोगे क्योंकि क्लॉथ है तो फैब्रिक ही आएगा। तो फैब्रिक में जब हम जाएंगे तो फैब्रिक के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैब्रिक आपको यहाँ मिलेंगे, ये आपके ऊपर, आपकी चॉइस है। देखिए फैब्रिक, अलग अलग फैब्रिक है, ये अलग फैब्रिक है, ठीक
ये भी फैब्रिक है, ठीक है। जैसे मैंने ये फैब्रिक अप्लाई किया इस पे, तो ये फैब्रिक आ गया। अब क्या होगा, मेरा पूरे मॉडल पे ये अप्लाई हो गया। सेम प्रोसेस इसमें भी फॉलो करना है हमें। इसको हमने मिनिमाइज किया, देखिए पूरे पर आ गया फैब्रिक, अच्छा फैब्रिक है। इसमें हम गए, हमें क्या करना है, सेम इसके अंदर भी हम मास्क को ऐड करेंगे। एड मास्क विथ कलर सिलेक्शन, क्लिक ऑन कलर सिलेक्शन, वापस से जाएंगे पिक कलर, ठीक है, क्लॉथ वाले कलर को पिक करेंगे। तो देखो ये हमारा मटेरियल इस पर अप्लाई हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, अब थोड़ा सा इसमें हम एडिटिंग कर लेते हैं। इसको बंद करते हैं, स्टार्ट करते हैं, हम इस क्लॉथ से ही शुरू करते हैं। तो फैब्रिक में गए, जब इस लेयर के बटन को ओपन करते हो ना, तो इसके अंदर इसके ऑप्शन है। देखो जब इसके ऑप्शन में जाओगे तो सबसे नीचे क्या है, बेस कलर, ठीक है। बेस कलर दिख रहा है आपको, ये इसका क्लॉथ का यस बेस कलर है। आप करना चाहते हो इसका कलर चेंज, तो बेस कलर पे क्लिक करोगे। इसके प्रॉपर्टी पैनल में जाओगे नीचे, यहाँ पर देखोगे इस मटेरियल के अंदर मुझे क्या करना है, हाइट के साथ काम करना है, रफनेस के साथ काम करना है, मेटल के साथ में ना, मुझे क्या करना है, कलर के साथ काम करना है, ठीक है। सबको मैं ऑफ कर दूंगा और सिर्फ मैं कलर के ऊपर काम करूंगा इसमें, ठीक है। ये जितने भी ऑप्शन है मैंने ऑफ कर दिए। देखो ये दोबारा से बता देता हूँ, हाइट, रफ, मेटल, कलर, ये सब ऑफ कर दिए। मैं सिर्फ किस पे, कलर पे काम कर रही हूँ, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, बेस कलर में मैं जाना है, मुझे क्लिक करूंगा बेस कलर पे, बेस कलर पे नहीं सॉरी, कलर पे क्लिक करूंगा। और कलर पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से अपना इसका कलर चेंज कर सकता हूँ, जो मुझे लेना है। आप जा सकते हैं, आप रेड देना चाहते हैं रेड दे सकते हैं, जो आपको कलर चाहिए, ठीक है, यहाँ से आप दे सकते हैं। कलर चेंज हो गया है कलर, ठीक, समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक यस सर। है। अब बात आती है इसके अंदर, जब हम जाते हैं वापस से, इसको हम थोड़ा और क्लोज से अगर देखते हैं मटेरियल को, तो इसी के अंदर और ऑप्शन में अगर हम जाएंगे ऊपर, जैसे हमने कलर को ऑफ किया तो कलर है। अब मुझे इसकी रफनेस पे काम करना है, यानी कि इसका जो रफनेस है, तो रफनेस में अगर मैं इसको प्योर ब्लैक कर दूंगा तो ये क्या होगा, ये वाला जो अंदर वाला एरिया है ये ट्रांसपेरेंट, अल्फा में, अल्फा पता है आपको, अल्फा मैप पता है, हाँ, यस ब्लैक मीन्स ट्रांसपेरेंट, व्हाइट मीन्स ओपेक, ठीक है। तो ओके ब्लैक में यस क्या हो गया, सर। ट्रांसपेरेंट हो गया है। और अगर इसको 100% ले जाएंगे तो यहाँ से देख सकते हो चेंज हो रहा है, इसकी रफनेस को कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। तो अलग अलग चीजें हैं, हाइट मैप को कंट्रोल करना है, रफनेस को करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ये इतना समझ में आ गया, ठीक ठीक है। तो है अब ये हो गया हमारा, नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें इसके अंदर स्टील के ऊपर कुछ ऐड करना चाहते हैं, या इसमें भी हम काम करना चाहते हैं, तो स्टेनलेस स्टील में जाइए। इसमें भी सेम है, स्टील का बेस है, बेस में क्लिक कर रहे हो, बेस में जाकर आप, अरे पॉज हो गई है, अरे ठीक सर ठीक हो गई। तो हमें क्या देखना है, जो इसका ये स्टील है, अब ये स्टील पे भी हम काम कर सकते हैं। हर एक की अपनी प्रॉपर्टी है, आप लोग उसमें जाकर आपको प्रैक्टिस करनी होगी, उसके साथ में उस पर काम करना होगा। अब इसकी हाइट के साथ हम काम करेंगे या कलर के साथ, कलर को हमें नहीं लेना है, हमें क्या करना है, इस मेटल की रफनेस के साथ में काम करना है, ठीक है। अब इसमें कॉन्सेप्ट समझना होगा ना, इसकी जो रफनेस क्या है, ये जो स्क्रैचेस इसके अंदर दिख रहे हैं, ठीक है, इसके साथ हमें काम करना होगा। ओके, तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, मैंने एक मॉडल इसका ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया है, तो स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ये न्यू स्क्रीन आई है, देखिए ये मेरा फाइनल आउटपुट है इसका, ठीक है, देख पा रहे हैं सब लोग, जी यस सर। ठीक है। तो
आपको क्या करना है, देखो इसके अंदर कुछ चीजें और मैं आपको बता देता हूँ, मतलब कंप्लीट जो मॉडल है उसी के अंदर थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूँ आप लोगों को, आप लोग करना क्या है। इसके अंदर हम डार्ट प्लेयर को भी हमने ऐड किया है, ठीक है, ऑक्लूजन मैप हमने ऐड किया है ना। आप लोगों को क्या करना है, आप लोग एक न्यू लेयर लेंगे, ठीक है। उस न्यू लेयर के अंदर, उस न्यू लेयर के अंदर जब आप जाएंगे, उस न्यू लेयर में आपने क्या करना है, उस न्यू लेयर में आपने ऑक्लूजन को बेस कलर में जाके, बेस कलर में जाएंगे आप नीचे, ठीक है। बेस कलर में जब आप जाके क्लिक करेंगे ना, आपने न्यू लेयर ली, फिल लेयर लेनी है आपने यहाँ पर, फिल लेयर, ठीक है। आप कौन सी लेयर लेंगे, फिल लेयर, ठीक है। फिल लेयर में जाके आप बेस लेयर में जाके आपने क्या करना है, क्लिक करना है बेस लेयर पे, और वहां से आपको एम्बियंट ऑक्लूजन को इसमें अप्लाई करना है। जो मैप है आपका, जब आप क्लिक करोगे ना बेस लेयर पे, ठीक है, एक फिल लेयर लेके सबसे ऊपर, उसमें जब जाओगे ऊपर तो आपको क्या दिखेगा, आपको जो आपने बनाया उसका एम्बियंट ऑक्लूजन ऑलरेडी बना होता है, उसको क्लिक करोगे तो वो आपके उस लेयर में आ जाएगा ऊपर, ठीक है। और देन उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने मल्टीपल करना है जाके, इसके बराबर में ब्लेंडिंग मोड भी होता है, ठीक है। इसके जब जस्ट बराबर में आप जाओगे तो यहाँ ब्लेंडिंग मोड में जाकर आप लोग इसको मल्टीपल आप कर दोगे, ठीक है, तो क्या होगा वो उसके आपके मॉडल के साथ में ब्लेंड हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें होता है, हाँ, इसके अंदर आप डर्ट लेयर भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें तो लेयर कॉन्सेप्ट चलते ही रहेगा, ठीक है, ऑक्लूजन और ये सब मस्ट होता है। तो इतना आप लोगों को क्लियर हो गया सब, आप लोग मॉडल बना पाएंगे सर। इसके सर एक चीज पूछने थे सर, इसके टेक्सचर सर 3ds Max में अप्लाई करना है सर, उसके उसके लिए क्या करेंगे? हाँ चलो मैं बता देता हूँ, उसके लिए आपको क्या करना है, हाँ मैं बता देता हूँ उसका, मैं बता देता हूँ आपको क्या करना है। जब आपका मॉडल कंप्लीट हो जाएगा, क्या हो गया स्क्रीन दोबारा से शेयर करनी, ये जब मॉडल बन गया आपका सर, देन गो टू फाइल ऑप्शन, फाइल में जाओगे, फाइल में जाके आप एक्सपोर्ट टेक्सचर करोगे, ठीक है। फाइल में जाके क्या करना है, एक्सपोर्ट टेक्सचर पे क्लिक करोगे, ठीक। जब आप एक्सपोर्ट टेक्सचर पर क्लिक करोगे तो इसमें ये अलग अलग ऑप्शन मांगता है, ठीक है। तो जब कॉन्फ़िगरेशन में जाओगे आप, इसकी नीचे आएगा कॉन्फ़िगरेशन, तो कॉन्फ़िगरेशन में पूछेगा आपको किसके लिए चाहिए, ठीक है, अलग अलग इसमें दिया हुआ है। तो जैसे माया में यूज करते हैं एनरोल्ड, ठीक है, तो इसने एनरोल्ड दिया हुआ है, ठीक है सर। उसके अलावा इसने क्रोना रेंडर होता है, एक रेंडर इंजन है क्रोना, लाइव स्ट्रीमिंग होती है इसमें, ठीक है। क्राई इंजन है, डॉट है, की शॉट है, ये सारे रेंडर इंजन है। या फिर आपको यूनिटी में करना है, यूनिटी में कर सकते हो, बट आप लोग किसमें करोगे, आप लोग करोगे वीरे में, ठीक है, सर वीरे में, यस। आप मैक्स यूज करते हो तो वीरे तो यूज करते होगे आप लोग, तो आप लोग इसमें जाओगे, वीरे में जाओगे, वीरे में जब आप जाओगे तो वीरे में जाके देखो नीचे टेक्सचर सेट दिख रहा है आप लोगों को, इस पर जब क्लिक करते हो ना तो देखो ये सारे मैप आपके आ गए, ठीक है, आपका डिफ्यूज मैप आ गया, रिफ्लेक्शन, ग्लॉसीनेस, हाइट, नॉर्मल, ठीक है। और यहाँ पर साइज दिया है इसके जस्ट बराबर में, यहाँ से आप साइज ले सकते हो, 2048 बनाया तो यही हम रखेंगे। और उसके बाद सबसे पहले यहाँ पर आप इसकी डेस्टिनेशन दे सकते हो, कहाँ आपने देना है, आप इसको डेस्कटॉप पे भी बना सकते हो, ठीक है। हमने इसमें हम गए सिलेक्ट फोल्डर, देन एक्सपोर्ट, ठीक है। अब एक्सपोर्ट पे क्लिक करोगे तो जितने भी इसके जो मैप हैं वो सारे मैप आ जाएंगे, और उसके बाद आप मैक्स में जाकर उसको मटेरियल में जाकर उसको अप्लाई कर सकते हैं इजिली, ठीक है। आपको क्या करना है, मटेरियल अप्लाई करेंगे, डिफ्यूज में जाएंगे, डिफ्यूज में जाकर जब मटेरियल उस पर अप्लाई कर देंगे तो अलग अलग, जैसे कि डिफ्यूज को डिफ्यूज में डालना है मटेरियल के अंदर, ठीक है, आपको बम्प मैप, बम्प मैप के अंदर आप नॉर्मल को डालेंगे, ठीक है,
ऑक्लूजन मैप आप कैसे अप्लाई, ठीक है, तो ये हमने कर दिया है। अब इसका मैं थोड़ा सा एक आउटपुट आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, जो फाइनल आउटपुट आया है। तो ये हमारा प्रीव्यू मोड है, ये हमारा आउटपुट निकल गया है फाइनल, ठीक है, देख सकते हैं आप लोग। ये अलग अलग इसके अलग अलग रेंडर इसके निकाल के इसको मैंने बना लिया था, मैंने कल ही बना लिया था, इसको कंप्लीट कर दिया था, ठीक है। तो आप लोग भी इस तरीके से अपना मॉडल बनाइए, अलग अलग मॉडल बनाइए, ठीक है। और अगर आप लोगों ने अच्छा काम किया तो मैं एक लेक्चर आपके साथ और रखूंगा, वो होगा आपका VR के लिए, ठीक है, वर्चुअल रियलिटी के लिए गेम कैसे बनाते हैं।